90s के स्टार्स ये बता देते कि वो शादीशुदा हैं तो शायद उन्हें कोई लीडिंग प्रोड्यूसर साइन ही ना करते। कटरीना को अगर आप दीपिका, प्रियंका, अनुष्का से कंपेयर करते हैं तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। आई डू नॉट वॉन्ट अ हस्बैंड लाइक माई डैड, आई मीन दैट इज वे टू सोबर फॉर आलिया भट्ट। Come on, Alia, give us something more shocking. Ranveer Singh's position with the media is like having sex. He likes to try new positions every time. Deepika needs to use her brains more and her emotions less. Unke dad ne to Karisma Kapoor aur Govinda ki khatiya sarkai hui hai. Nothing is going to ever shake up Varun Dhawan. अक्षय कुमार अपनी हेल्थ तो संभाल लेते हैं, अक्षय कुमार खुद कभी भी नहीं ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स जरूर कर लेते हैं। रणबीर और रणवीर ओपनली करते हैं अपने टीनेज सेक्स एनकाउंटर्स को डिस्कस। आलिया और दीपिका भी कुछ नहीं रही छुपा। यंग स्टार्स क्या सच में हो गए हैं एम्बैरेसिंगली बेशरम? लेट्स फाइंड आउट ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ पेज 3। रणबीर ओपनली करते हैं अपनी ड्रग्स कंजम्पशन को डिस्कस। दीपिका खुलेआम रणबीर को कॉन्डम कैरी करने को करती हैं सजेस्ट। रणवीर सिंह 12 साल की उम्र में वर्जिन ना होने में प्राइड लेते हैं। कट टू सलमान खान जो अब भी बोरिंग सी स्टेटमेंट देते हैं कि वो वर्जिन हैं। वहीं आमिर खान जब शादीशुदा थे अपनी शादी छुपाते थे। वह जो पहले के स्टार्स थे जैसे कि आमिर खान अपनी शादी तक को छुपा रहे थे, जब उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी वो ऑलरेडी शादी कर चुके थे, बट वो अपनी शादी इसलिए छुपा रहे थे कि पहले के जो स्टार्स थे, अगर 90s के स्टार्स ये बता देते कि वो शादीशुदा हैं तो शायद उन्हें कोई लीडिंग प्रोड्यूसर साइन ही ना करते। सो दे हैड टू हाइड इट, देयर करियर्स वुड नॉट टेक ऑफ एंड नोबडी वुड बी विलिंग टू साइन देम एंड द गर्ल्स वुड नॉट बी क्रेजी अबाउट देम। इफ़ वी लुक एट द होल एटीट्यूड व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग देयर सेंसुअलिटी, their sexuality, it's the same. I mean, heroines apni virginity ko hi roti reh jati thi, and now we don't have ice maidens anymore. And aajkal it's different. The more taken the heroes are, the more the girls are lusting for them. Katrina Deepika se senior hain aur shayad isliye professional life mein wo old fashioned hain. Jahan unki rival Deepika bedhadak apni life ko openly live karti hain aur personal details ko admit bhi karti hain, wahi Katrina almost sab kuch deny karti hain. Perhaps ye natija hai unke old school thoughts ka. Kyunki Katrina 11 saal se industry mein hain aur unhone Akshay Kumar, Salman Khan, Aamir aur Shahrukh Khan 40 plus jaise stars ke sath mostly kaam kiya, jo waise hi soch rakhte hain jahan public opinion important होता है और पब्लिक इमेज भी। There is a change in society as well. अगर आज रणबीर और कटरीना लिव इन रिलेशनशिप में हैं और एक साथ रह रहे हैं, सो व्हाट्स द हार्म? आई मीन लुक एट वेयर इंडियन सोसाइटी इज गोइंग, पीपल आर लिविंग इन टुगेदर एवरीवेयर एंड देयर इज नो हार्म इन दैट। Katrina is broad-minded in her real life, absolutely. मैं नहीं कह रही हूँ कि Katrina conservative है। Katrina real life में कुछ और हैं और professional life में कुछ और हैं। Katrina को अगर आप दीपिका, प्रियंका, अनुष्का से compare करते हैं तो वो अपनी personal life में ज़्यादा broad-minded हैं और professional life में ज़्यादा conservative हैं। तो Katrina के heroes जो हैं वो mid-40s में रहे हैं। She has done maximum movies with Akshay Kumar. So whether it's Akshay, whether it's Aamir, whether it's Shahrukh, she has done most of her movies with older heroes, with married heroes, and probably like you know, and fewer movies with say a Ranbir Kapoor or younger heroes. So obviously unki thinking professionally वैसी ही होगी जैसे वो अपनी image professionally portray करते हैं। तो इसलिए कटरीना प्रोफेशनली बहुत ही गुड गर्ल इमेज दिखाती हैं अपनी। आजकल बॉलीवुड के न्यू ब्रीड ऑफ स्टार्स का एक ही स्लोगन है, Who gives a damn? आलिया तो अपने को स्टार अर्जुन कपूर के सामने अपनी किसिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस करती हैं, एंड दैट टू ऑन नेशनल टेलीविजन। आलिया इज क्वाइट कूल एट बीइंग कॉल्ड द फीमेल इमरान हाशमी एंड शी अपीयर्स टू बी प्राउड ऑफ इट। फ्रैंकली अगर आलिया भट्ट एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सीरियल किसर भी बन जाती हैं,
तो मीडिया इतना स्कैंडलाइज क्यों हो जाता है? आर वी फॉरगेटिंग दैट शी इज महेश भट्ट्स डॉटर? शी हैज कॉन्ट्रोवर्सी इन हर जीन्स, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. सो आई मीन दिस इज समथिंग दैट्स नॉट शॉकिंग इनफ फ्रॉम आलिया भट्ट. If she says something like, I do not want a husband like my dad, I mean, that is way too sober for Alia Bhatt. Come on, Alia, give us something more shocking. This is way too boring and sedate for Alia. अनुष्का का भी अंदाज कुछ बदला बदला है. विराट कोहली के साथ अनुष्का काफी ओपन है. ग्रेपवाइन की माने तो दोनों को ऑन लुकर्स ने कार में कुची कू करते हुए भी देखा है. विराट कोहली के साथ हर पार्टी या आउटिंग में वो नजर आती हैं. कभी विराट उनके आउटडोर शूट्स पर जाते हैं तो कभी अनुष्का क्रिकेट स्टेडियम में कैमरे के सामने सभी स्पेक्टेटर्स के साथ अपने बॉयफ्रेंड को चीयर करती नजर आती हैं. अनुष्का तो इंटरव्यूज में भी विराट के स्पोर्ट्समैनशिप और अंदाज की तारीफ करती हैं. अनुष्का का कहना है कि आई नेवर हाइड एनीथिंग, I lead my life very openly, और मैंने कभी कोई चीज deny नहीं की है. Well, अनुष्का open हो गई हैं अपने attitude के साथ, अपनी relationships को लेकर. हो सकता है कि अनुष्का दूसरी actresses को देखकर भी influence हो रही हैं कि चलो मैं भी broad-minded हो जाती हूँ, मैं भी honest हो जाती हूँ. But हो सकता है कि जब अनुष्का रणवीर सिंह के साथ link up हो रही थी तो रणवीर सिंह was just beginning his career as an actor and वो इतने बड़े star नहीं थे. And now she's with Virat Kohli, who's a status symbol, who is like a sports heartthrob of the nation. So why not? It suits her to be open. रणवीर सिंह तो क्लेम करते हैं कि ही लॉस्ट हिज वर्जिनिटी जब वो सिर्फ 12 साल के थे और अब भी वो दिल पे एक लेडीज मैन है. वो खुलेआम अपनी दीवानगी जाहिर करते हैं. Who can forget the iconic photo of Ranveer giving a peck on Deepika's cheek in Dubai's disco? रणवीर जब अनुष्का के साथ रिपोर्टेडली रिलेशनशिप में थे तो ही डिड नॉट हेजिटेट टू फ्लर्ट ओपनली विद अनुष्का व्हेन द कैमरास वर स्टिल रोलिंग. रणवीर तो हमेशा अपने दिल की बात अपने एक्शन से बयां करते हैं. Ranveer Singh's position with the media is like having sex. He likes to try new positions every time. So it's like hide it or flaunt it. It depends on how he can have more fun. Ranveer Singh image conscious nahi hai. Unhone apni link ups ke bare ya apni sex life ke bare kabhi bhi kuch chupaya nahi hai. But I guess agar wo hamesha open hote rahenge to sab bore ho jayenge. To isliye shayad wo apne fans ko media ko ab chhed rahe hain aur Deepika ke bare itna openly nahi bol rahe hain. दीपिका हिपोक्रेसी और दिखावा बिल्कुल नहीं करती. मूविंग अहेड, दीपिका ने मीडिया से कुछ भी नहीं छुपाया. पिछले जमाने के स्टार्स अपने रिलेशनशिप के बारे में बोलने से कतराते थे. जस्ट फ्रेंड्स का टैग उनके सभी रिलेशनशिप्स पर लगा था. 35 प्लस सुपर स्टार्स ये तक दावा करती थी दैट दे आर स्टिल वर्जिन. I don't think it's difficult to understand Deepika. She is very broad-minded. Deepika is very approachable. But Deepika ki strategies often misfire kar jati hain. Deepika needs to use her brains more and her emotions less. Shayad Deepika ke problems media mein isliye create hue in the past because unko media dhoka nahi deta hai, unke boyfriends unko dhoka de jate hain. वरुण धवन ने हाल ही में एक बोल्ड और बिंदास स्टेटमेंट दिया कि मैं श्रद्धा कपूर को किस करने में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ. वहीं वरुण इज नॉट अनकंफर्टेबल टू बी सीन विद हिज स्टेडी गर्लफ्रेंड नताशा. जहाँ वरुण एक तरफ आलिया भट्ट और नरगिस पकरी के साथ लिंक होते हैं, वहीं वो नताशा को भी डिनाई नहीं करते हैं. ना ही वो रिएक्ट करके नाराज भी होते हैं, बल्कि वो ऐसी इमेज इंजॉय करते दिखते हैं. वरुण धवन बहुत ही मीडिया सैवी हैं, वो नॉटी हैं, वो फ्लर्टेशियस हैं, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वरुण धवन का नाम है वरुण डेविड धवन. ही हैज ग्रोन अप विद दिस. ही नोज प्रमोशंस, ही नोज इमेज मैनेजमेंट. आई मीन ही हैज दिस इन हिज ब्लड. एंड वरुण धवन इज नॉट गोना गेट अपसेट विद ऑल दीज लिंक अप्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ राइट अप्स. वो जब बड़े हो रहे थे उन्होंने गाने ही सुन लिए होंगे अगर अपनी डैड की फिल्म के, तो वो कहाँ से शॉक होंगे. उनकी अगर कोई खटिया सरकाएगा तो उनको कौन हिलाएगा. आई मीन नथिंग इज गोना शॉक हिम. दीज आर हिज डैड्स मूवीज लिरिक्स राइट. तो उनके डैड ने तो करिश्मा कपूर और गोविंदा की खटिया सरकाई हुई हैं. नथिंग इज गोइंग टू एवर शेक अप वरुण धवन. जहाँ 30 प्लस हीरोइन साइज जीरो से ऑब्सेस्ड है, वहीं परिणीति चोपड़ा और सोनाक्षी का एटीट्यूड बिंदास है. सोनाक्षी खुलेआम अपने वेट को थ्रो अराउंड करती हैं. हाल ही में सोनाक्षी ने क्रिटिक्स को ठेंगा दिखाया. शी अपलोडेड अ फोटो ऑफ अ स्केलेटन और उस पर लिखा कि जो लोग सोचते हैं कि मैं इस तरह दुबली पतली और बीमार लगूंगी, गेट ओवर इट.
Well, सोनाक्षी का हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास एक मॉम है जो उन्हें एकदम स्वीट और जेंटल बनाती हैं, और फिर उनके जो डैड हैं वो एरोगेंट हैं और वो सबको खामोश करते हैं। क्या स्टार्स के एटीट्यूड में आ गया है चेंज? क्या वो हो गए हैं एम्बैरेसिंगली बेशरम? संजय दत्त को देख लो, जब वो नहीं चाहते थे कि उनकी एक नाइट क्लब में या उनके घर के बाहर कोई फोटो क्लिक हो, तो वो कैमरा पर्सन के पास जाकर अपनी फोटो डिलीट करवाते थे। एंड नाउ इफ यू लुक एट रणबीर, व्हेन ही फील्स दैट यू नो ही इज बीइंग फॉलोड बाय समबडी और ही इज बीइंग क्लिक बाय समबडी, वो जाते हैं और उनका कैमरा स्नैच करते हैं और शायद तोड़ देते हैं या ग्रैब करके घर ले जाते हैं उनका बैग। एक बहुत ही अपेरेंट डिफरेंस है। अगर आप आमिर खान को देखते हो तो अब भी घंटों लगाते हैं अपने इमोशनल स्ट्रैटेजीज के लिए, शायद महीनों लगाते हैं। आमिर सोचते हैं कि मैं अपनी एक इमेज कैसे बिल्डअप करूं, अपनी मूवी को कैसे प्रमोट करूं, और जब वो नाराज़ होते थे तो वो महीनों सालों एक मीडिया ग्रुप के साथ नहीं बात करते थे, एंड वो अब भी अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे बारीकी से प्लान करते हैं। सो दैट्स द होल डिफरेंस, इज द होल एटीट्यूड, यू नो। इट्स लाइक if they could, they would be showing a particular finger to them, you know. So there is a paradigm shift. Vivek Oberoi bolte kuch aur hain aur karte kuch aur. Yani ki Vivek Oberoi ho gaye hain hypocrite aur isliye ban gaye hain Page 3 ke big mouth of the week. विवेक ओबरॉय के लिए कैंसर का कॉज बहुत ही खास है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो कैंसर की चैरिटी के लिए हमेशा प्रमोशन करते रहे हैं, लेकिन अब विवेक ने कुछ कंफ्यूजिंग सा डिसीजन लिया है। खबर आई है कि विवेक ने अग्री किया है कि वो एक पान मसाला को एंडोर्स करेंगे, बेशर्ते ये कि वो ब्रांड विवेक के NGO को 25 लाख डोनेट करे और विवेक को एक बड़ी फीस भी दे। सम आर कॉलिंग दिस अ स्मार्ट मूव, बट वी एट Page 3 डोंट थिंक सो। Let's now talk about the big mouth of the week, Vivek Oberoi, जिन्हें अभी hypocrite माना जा रहा है। विवेक ओबरॉय एक तरफ कैंसर चैरिटीज़ को सपोर्ट करते हैं, और मैंने उन्हें काफ़ी फैशन शोज पर देखा है, जहाँ पर भी एक कैंसर का कॉज होता है विवेक वहाँ पर घंटों इंतज़ार करते हैं। वो इतने सपोर्टिव होते हैं कि मैं शॉक्ड हूँ दैट विवेक ओबरॉय एक पान मसाला या एक ऐसा प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहे हैं। आई मीन ही इज़ एन आइडल, यू नो, ही शुड बी डूइंग दिस। एक जगह वो 25 लाख अगर दे भी देंगे तो वो किस तरह से दिला रहे हैं? मुझे तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग मैसेज लग रहा है। आई मीन आप पान मसाला जो कैंसर कॉज कर सकता है उसको आप एंडोर्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये सोच रहे हैं कि आप 25 लाख आप कैंसर चैरिटी को दिला रहे हैं। नॉट वर्किंग फॉर मी। वी ऑल्सो हैव सम सेलिब्रिटीज जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते लेकिन उसे एंडोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार, नाउ ही डज एंडोर्स अ लिक्विड ब्रांड बट ही डजंट ड्रिंक हिमसेल्फ। अक्षय कुमार अपनी हेल्थ तो संभाल लेते हैं, अक्षय कुमार खुद कभी भी नहीं ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ज़रूर कर लेते हैं। अक्षय कुमार अपनी हेल्थ को तो बखूबी संभालते हैं, लेकिन जब एंडोर्समेंट की बात आती है तो अक्षय कुमार बहुत आसानी से अल्कोहल को एंडोर्स करते हैं। अक्षय कुमार का जो लेटेस्ट गाना है शौकीन्स में से, वहाँ पर भी मैं अल्कोहलिक हूँ। ही इज़ इंस्पायरिंग यंग पीपल टू डू दैट, यू नो। आई हैव सीन रियली यंग पीपल लाइक टीनेजर्स हु आर 13 एंड 14 and probably kids younger than that grooving to that song, main alcoholic hoon. I mean, what is this message he's sending across to them? They don't have that kind of sense or willpower that they will not figure that out. It's an impressionable song because it's sounding really good, and Akshay Kumar khud to apni health maintain karte hain, lekin paise ke liye bahut hi willingly alcohol ko endorse karte hain. Did you know that actress Neha Dhupia ne ye original quote kiya tha ki only sex and SRK sell in Bollywood, and gossip too sells big time, and who can do it better than Page 3? See you after this break. Coming up on Page 3, metal is something that can have a love-hate relationship. Either you love it or you hate it. And metallic fabrics jo hain, wo bahut hi tricky hote hain. Because agar aapki body perfect na ho, to it's a very difficult thing to carry off because all the lumps and the bumps can show. Pick up our
पादुकोण बन गई हैं पेस्ट्री की हॉट शॉट ऑफ द वीक। पेस्ट्री ने नोटिस किया है कि दीपिका को पसंद है अपने वार्डरोब में मेटालिक लुक, चाहे हो गोल्ड या फिर कोई भी और शेड्स, बट दीपिका इज डेफिनेटली हैप्पी हैप्पी वेयरिंग मेटालिक ह्यूज। अब आप ही डिसाइड करें कि दीपिका किस मेटल की बनी है। लेट्स चेक हर आउट विद सिमी चंदोक, हु इज अ फेवरेट एट ऑल फैशन वीक। All right, Simi, now that you're shining yourself in a metallic really well, I want to get your take on what Deepika has been donning recently. A lot of metallic there, hot shot of the week. Deepika has proved her mettle, and it's a very tricky thing to wear because mettle is something that can have a love-hate relationship. Either you love it or you hate it. And metallic fabrics jo hain, wo bahut hi tricky hote hain because agar aapki body perfect na ho, toh it's a very difficult thing to carry off because all the lumps and the bumps can show. तो अगर दीपिका का फिगर परफेक्ट नहीं होता, दिस वुड हैव बीन अ डिजास्टर। बट अदरवाइज द मेटालिक लुक हैज रूल द रैंप ऑल थ्रू 2014। हमारे इंडियन डिजाइनर्स एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल डिजाइनर्स, वेदर इट्स टॉम फोर्ड, वेदर इट्स मार्क जेकब्स, जस्ट अबाउट एवरीबडी हैज लव्ड मेटालिक एंड प्लेड विद इट। एंड दीपिका इज आवर बॉलीवुड दीवा। And where did the Page 3 cameras go this week? Well, Page 3 was partying at a very glam and fashionable evening, जहाँ पर fashion awards थे, तो चलो हम अपने viewers को वो भी दिखा देते हैं। Simi, great chatting as usual. Thank you very much for being here. My pleasure always. Gossip is nice, and it's even better when you hear it twice. So see you right after this break, only on Page 3. Joke about Alia Bhatt is that उन्होंने अपना स्मार्टफोन फ्लाई मोड पर रखा और नाराज हुई because her phone just did not take off. Well, it's time for me to take off. See you next week on Page 3, only on Zoom, India's number one Bollywood channel. चलो चलो, ये मेरा लिपस्टिक ठीक है? सॉरी, अभी तो 10 मिनट पहले बोला था रोलिंग रोलिंग, ओके रेडी। अरे तुम अंदर क्यों आ रहे हो? वहीं से बोल दो ना, अब जाओ भी। ये उधर ठक ठक बंद करो ना प्लीज। इंजेस वाले पार्टी करने भाग गए। अच्छा चुप कर जा भी तुम। नेवर से आई टोल्ड यू, जब किसी को दुखती नस पे हाथ रख के मत बोलो मैंने बोला था लगेगा। ऐसे ना मुझे डांटते हुए हमेशा मत दिखाया करो। ऐसे मत करो यार, जब मेरा बच्चा बड़ा होगा ना मुझे बहू नहीं मिलेगी उसके लिए, रिश्ते ही नहीं आएंगे बेचारे के लिए। आसिस गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। रणवीर सिंह रिलेशन, किसका मोबाइल बज रहा है यार? ठीक है मेरे अंदर भूत प्रेत बोल रहे हैं, चुप ही कर जाओ ना एक सेकेंड भैया। थैंक यू भाई, तुम्हारी बहुत ड्यूरेशन हो गई है।